नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। बेटियां तो पराया धन है, बेटे ही है जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। सदियों से चली आ रही ये कहावत वर्तमान स्थिति में गलत साबित हो रही है। डोली में बैठकर मायके के आंगन से विदा जरूर होती है बेटियां, लेकिन पराई नहीं। बदलते समाज में अधिकतर बेटे जहां अपने ही माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं बेटियां अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बन रही है। समाज में स्त्री को पुरुष के बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है। आधुनिकता के इस दौर में कुछ हद तक औरतों को आजादी दी गई है, मगर समाज में वह वास्तविक बराबरी का दर्जा अब तक औरतों को नहीं मिल पाया है। इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए एक निजी संस्था के द्वारा क्योंकि मैं लड़की हूँ मुहिम को 2008 में शुरू किया गया था। इस मुहिम में दुनिया का वह नजरिया सबके सामने रखा गया, जिससे इस मुहिम को पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया गया। 2011 में कनाडा सरकार के द्वारा इस मुहिम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित करने के लिए राष्ट्र संघ में पेश किया गया, जिसके बाद 11 अक्टूबर 2011 को वह दिन चुना गया जहां से विश्व के 50 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के समारोह के जरिए स्त्री के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया गया। तब से लेके आज तक प्रत्येक साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में स्त्री के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस को 24 जनवरी को मनाया जाता है, मगर पूरे विश्व के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री को सम्मान देने और उसे समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस मौके पर आइए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार द्वारा बनाई हुई योजनाओं के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए बहुत सी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने की मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल है प्रथम चरण में पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 राज्यों जहां शिशु लिंग अनुपात कम है में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित कार्य करना, बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। एनडीए सरकार कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में हरियाणा के बीबीपुर के एक सरपंच की तारीफ की, जिसने सेल्फी विद डॉटर पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटियों के साथ अपनी सेल्फी भेजने का अनुरोध भी किया और जल्द ही यह विश्व भर में हिट हो गया। भारत और दुनिया के कई देशों में लोगों ने बेटियों के साथ अपनी सेल्फी भेजी और यह उन सबके लिए एक गर्व का अवसर बन गया जिनकी बेटियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से लगभग सभी राज्यों में मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं,
जिला स्तर के कर्मचारियों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अप्रैल से अक्टूबर 2015 तक इस तरह के 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के महिला व विकास मंत्रालय को शामिल किया गया है। क्या आपके घर में एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है? क्या आप भी उसके भविष्य के लिए जैसे पढ़ाई, उच्च शिक्षा या शादी आदि के लिए चिंतित है? अगर हाँ तो सुकन्या समृद्धि योजना आप ही के लिए बनाई गई है। यह योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य में होने वाले खर्च की पूर्ति करेगा। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए उनके अभिभावकों की मदद करने के लिए इसे लागू किया गया है। इसमें अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 64 लाख रुपए तक वापस पाया जा सकता है। किसी भी सरकारी या बैंक बचत योजना से ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलता है, साथ में पूरी टैक्स छूट भी मिलती है। सरकार ने इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपए से लेके 1.5 लाख तक का हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में बच्ची के पढ़ाई और शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। बालिका समृद्धि योजना 2022 के अंतर्गत 10वीं कक्षा की छात्रा को एक निश्चित राशि के रूप में स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यह योजना समाज के उन लोगों को बेटा बेटी के भेदभाव वाले स्तर को कम करने में मदद करेगी और बेटियों के शिक्षा के लिए लोगों को अधिक प्रोत्साहित करेगी। बालिका समृद्धि योजना 2022 के तहत बेटी के जन्म के समय में 500 रुपए के वित्तीय धन राशि को लाभार्थी को वितरित किए जाएंगे। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। 15 अगस्त 1997 के बाद जिन लड़कियों का जन्म हुआ है वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र का भागीदार है। योजना जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालिकाओं को एक बेहतर आजीविका प्रदान करना। बालिका समृद्धि योजना 2022 के लिए आवेदक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के दोनों वर्ग के लोग कर सकते हैं। बालिकाओं को प्रधानमंत्री बालिका समृद्धि योजना के माध्यम से उनकी शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार ही प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की छात्राएं स्कॉलरशिप लेने का लाभ प्राप्त कर पाएंगी। हमारे देश में कई होनहार बेटियां हैं, इसके बावजूद संसाधनों की कमी के चलते वो बेहतर मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी ही लड़कियों को आगे बढ़ाने के मकसद से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उड़ान योजना शुरू की है। उड़ान योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया जाता है। इस स्कीम के तहत 11वीं और 12वीं में साइंस व गणित से पढ़ने वाली छात्राओं को बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में नियुक्त विषय विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाएंगे। साथ ही 12वीं के बाद हायर स्टडीज के लिए बोर्ड की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिससे उनके सपनों को पंख मिल सके। CBSE की उड़ान योजना के तहत 12वीं की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा महंगी किताबों को खरीदने में दिक्कत ना हो, इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर ही संबंधित विषयों की किताबों को ऑनलाइन किया गया है। अगर पढ़ाई के दौरान उन्हें किसी भी टॉपिक पर कोई दिक्कत आती है तो उलझनों को दूर करने के लिए बोर्ड ने विद्यालयों में खास विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। छात्राएं उनकी मदद ले सकती है। इसके अलावा वो ऑनलाइन ट्यूटर की भी सुविधा ले सकती है। माध्यमिक स्तर पर 14 से 18 वर्ष की आयु समूह की बालिकाओं, विशेष रूप से जिन्होंने कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, के नामांकन में वृद्धि करने और ऐसी बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा की प्रोत्साहन योजना मई 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना में पात्र बालिकाओं के नाम से 3000 रुपए नियत राशि के रूप में जमा किए जाते हैं। बालिकाएं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने और कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अर्जित ब्याज सहित यह राशि निकाल सकती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वे बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है,
ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध हो अथवा ना हो और उन्होंने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सरकारी द्वारा सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल की कक्षा 9वीं के लिए शैक्षिक वर्ष 2008 या 2009 से अपना नामांकन कराया है। देश की महिलाओं या बेटियों की बात की जाए तो हमारे देश में इसकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारे देश की स्थिति कुछ जगह पर ऐसी है कि अगर पता चल जाए कि गर्भ में लड़की है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है। महिलाओं का शोषण भी हमारे देश में एक आम बात बनके रह गया है। बेटों की अपेक्षा घर की बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती है। इस पर भी उन्हें बहुत सारे रोक टोक रोजाना सुनने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटियों के लिए बहुत सारी योजना शुरू की गई है। इसी में सरकार ने प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की है। धनलक्ष्मी योजना के तहत केंद्र सरकार देश की सभी बेटियों को जो रोजगार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। इस शुरुआत से महिला आत्मनिर्भर बनेगी और भारत की आर्थिक स्थिति को और भी ऊपर उठाने के लिए आदमी के साथ औरत का भी चलना काफी जरूरी है, जो इस योजना के आ जाने से कहीं कारगर साबित हो जाएगा। धनलक्ष्मी योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना में से है, जिसके तहत देश की महिलाओं को सरकार आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा भारत के हर राज्य में बालिका कल्याण की अपनी अपनी योजनाएं भी है। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने और बालिकाओं को समानता के अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना 2022 में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में कन्या शिशु के जन्म को बढ़ावा देने और लड़कियों के जन्म को लेकर सकारात्मकता फैलाने के लिए छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना 2022 शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश में बालिकाओं के जन्म को लेकर सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भी प्रभावी उपाय लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि प्रदेश में लड़कियों को बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा प्राप्त हो सके। योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किश्तों में जारी किए जाएगी। लाडली योजना हरियाणा सरकार द्वारा समाज में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। यह योजना अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित करने पर ज्यादा ध्यान देती है कि समाज की मानसिकता और बालिकाओं के प्रति रवैया इस तरह बदला जाए कि कन्या भ्रूण हत्या सहित सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। यह योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 20 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। यह एक नगद प्रोत्साहन की योजना है, जो किसी भी परिवार में 20 अगस्त 2015 के बाद दूसरी बेटी के जन्म पर ₹5,000 की आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह पैसा बालिका व उसके माता पिता के नाम पर एक किसान विकास पत्र पर निवेश किया जाता है और यह निवेश बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ब्याज सहित परिवार को दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना महाराष्ट्र प्रायोजित बालिका योजना है, जो राज्य में बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहती है। यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना था। लाभार्थी के अप्रूवल के बाद लाभार्थी के नाम पर पहले 5 वर्षों के लिए हर साल ₹6,000 के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदे जाएंगे। इस निवेश में से ₹2,000 का निवेश 6वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश के बाद किया जाएगा और बाद में 9वीं कक्षा में लड़की के प्रवेश पर ₹4,000 का निवेश किया जाएगा। इस योजना की शर्तों के अनुसार परिवार मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और टैक्स योग्य आय नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उस परिवार को परिवार नियोजन अपनाना होगा और पहली बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ हो। भाग्यश्री योजना एक कर्नाटक सरकार की योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है। बालिकाओं को अधिकतम ₹25,000 तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। बालिका को 10वीं कक्षा तक ₹300 से ₹1,000 तक की वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। भाग्यश्री योजना के लिए शर्तें इस प्रकार है।
बीपीएल परिवार की बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है, बशर्ते कि उसका जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो। बच्चे के जन्म के एक साल बाद तक नामांकन की अनुमति है और अधिकतम दो बच्चों को इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है। लाभार्थी को अन्य आर्थिक लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं, बशर्ते वे कुछ योग्यता शर्तें पूरी करता हो। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जो बीपीएल और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत बालिका की मां को कन्या के जन्म के बाद पहले 5 वर्षों तक हर साल 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद 5वीं कक्षा में दाखिला लेने तक बालिका को 2500 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसके बाद यह आर्थिक सहायता बढ़कर 3000 रुपए प्रति वर्ष कर दी जाती है, जब तक बालिका कक्षा 12वीं में दाखिला न ले ले। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे उसकी उच्च शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प बालिका योजनाओं के लिए एक राज्य की पहल है, जिसे विशेष रूप से कमजोर सामाजिक आर्थिक वर्गों की लड़कियों की भलाई के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया है। यह योजना महिला विकास और समाज कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सशर्त कैश ट्रांसफर के रूप में कार्यान्वित की जाती है। कन्याश्री योजना में 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए 750 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 18 से 19 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए 25,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। कन्याश्री प्रकल्प योजना के तहत वह छात्रा लाभ के लिए पात्र है जो इन शर्तों को पूरा करती है। लाभार्थी को पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए। बालिका को एक शैक्षणिक संस्थान में होना चाहिए व अविवाहित होना चाहिए। लड़की के परिवार का अधिकतम वार्षिक आय 1,20,000 रुपए सालाना तक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं को जागरूक करना है अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा और बराबरी के लिए, जिससे वो आने वाली सारी चुनौतियों और परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सके। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लिंग आधारित चुनौतियों को समाप्त करता है, जिसका सामना दुनिया भर की लड़कियां करती है, जिससे बाल विवाह, उनके प्रति भेदभाव और हिंसा शामिल है। सदियां बदल रही है लेकिन बेटियों को लेकर हमारी सोच अब तक नहीं बदली। तकनीकी विकास हुआ, उस विकास का प्रयोग भी हमने गर्भ में पल रही बेटी की हत्या के लिए ही करना बेहतर समझा। अगर नारी विहीन समाज की चाह है तो परिवार व शादी जैसी प्रथाएं बंद ही कर दे, मात्र बेटे की चाह तो इसी की ओर इशारा करती है। अबॉर्शन सेंटर के बाहर इस तरह के विज्ञापन चौंका देते हैं, 500 खर्च करो और 50,000 बचाओ, जिसका अर्थ है कि गर्भ में कन्या है तो 500 में गर्भपात करवा लो और उसके दहेज के 50,000 बचा लो। जहां तक कि गर्भपात की बात है तो गर्भपात गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन अपराध है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया और 2003 में यह सोचकर इसमें संशोधन किया गया कि महिलाओं की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनसेफ अबॉर्शन की संख्या भी कम होगी। लेकिन आज भी हकीकत यही है कि अनसेफ अबॉर्शन की संख्या घट नहीं रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कन्या भ्रूण हत्या उन राज्यों और शहरों के उन हिस्सों में सबसे अधिक होती है जहां आर्थिक रूप से अधिक संपन्न व सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग यानी कि एलीट क्लास के लोग रहते हैं। इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत अबॉर्शन करवाना, यहां तक कि खुद महिला द्वारा अपनी मर्जी से भी अबॉर्शन करवाना अपराध है, यदि वो महिला की जान बचाने के लिए ना किया गया हो। इसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। इसी तरह गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण भी अपराध है, जब तक कि डॉक्टर निश्चित न हो कि महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर गर्भपात जरूरी है। कहाँ है रोशनी की किरण? लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा डग बेटी बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पेंटिंग्स, विज्ञापनों, पोस्टर्स, एनिमेशन और वीडियोस द्वारा कोशिशें की गई। इस अभियान को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ कई मेडिकल संस्थाओं ने समर्थन व सहयोग दिया।
इस अभियान का असर कहीं कहीं नजर भी आया। गुजरात में वर्ष 2009 में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जन्म संख्या 802 से बढ़कर लगभग 882 हो गई थी। इन सब के बावजूद हालात ये हैं कि जब महिलाओं को इस विषय में पूछा जाता है तो वो झल्ला कर यही कहती हैं कि कैसा कानून और किस तरह का समाज। सच्चाई तो यह है कि जब हम बेटियों को जन्म देती हैं तो यही समाज हमें हिकारत की नजरों से देखकर ताने देता है, हमें हर तरह से कमतर बताया जाता है, रिश्तेदारों से लेकर पति तक तानों से छलनी कर देते हैं। फिर हम क्यों बेटियों को जन्म दे, ताकि वो भी हमारी ही जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएं? महिलाओं द्वारा उठाए ये तमाम सवाल दरअसल हमारे सामाजिक ढांचे पर तमाचा है, जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का ही माना जाता है। अगर बीवी कमाती है तो उसे एक्स्ट्रा इनकम माना जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियां इसलिए डिमांड में हैं कि वो पति के स्टेटस को मैच करने के साथ साथ बच्चों की परवरिश बेहतर कर पाएगी, उनका होमवर्क करवा पाएगी। दूसरी तरफ पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ यह भी समस्या आती है कि दहेज अधिक देना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए लड़के भी अधिक पढ़े लिखे ढूंढने पड़ते हैं। अखबारों के मैट्रिमोनियल कॉलम में भी आसानी से ऐसी दोहरी मानसिकता के दर्शन हो सकते हैं, जिसमें लिखा होता है चाहिए गोरी सुंदर लंबी पढ़े लिखी घरेलू व संस्कारी लड़की, यानी घरेलू व संस्कारी लड़की जो हर घर के काम भी करे और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी ना उठाए। जब इस तरह की मानसिकता वाले समाज में हम जी रहे हैं तो पेरेंट्स को यही लगता है कि लड़की का जन्म यानी ढेर सारा खर्च और मुसीबत। इस समस्त समीकरणों के बीच खुद लड़कियों को ही अपनी रक्षा का बीड़ा उठाना होगा, अपने लक्ष्य बदलने होंगे और उसी से समाज की दशा व दिशा भी बदलेगी। शादी, परिवार और समाज की घिसी पिटी परंपराओं से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व को देखना होगा और सबसे जरूरी है कि आवाज उठानी होगी। कोई जबरदस्ती गर्भपात करवाता है तो आवाज उठाए, फिर सामने भले ही सास ससुर, माँ बाप या अपना पति ही क्यों ना खड़ा हो, कानून बने हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे बदलेगी। हमारा मंत्र होना चाहिए बेटा बेटी एक समान। आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। अगर हमारे द्वारा साझा की गई जानकारियों को प्राप्त करने के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में समझ पाए हैं और इसके महत्व से रूबरू हो पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।